डीआईजी मन्नू महाराज विधि व्यवस्था का हाल जानने पहुंचे सिवान और अपराधियों ने युवक को मार दी गोली। सिवान के जीरादेई थाना क्षेत्र के भैंसाखाल से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां क्रिकेट खेल रहे एक युवक को अपराधियों ने सिर में गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया है। घटना के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। घटना को अंजाम देने के बाद अपराधी फरार हो गए। घटना के बाद क्रिकेट मैदान में अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया। घायल को लोगों ने इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया, जहां चिकित्सक ने गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे पटना रेफर कर दिया है। घायल की पहचान जियादेई निवासी दिनेश सिंह के रूप में हुई है। वहीं सूचना पाकर मौके पर पुलिस जांच में जुटी हुई है। जिले में मौजूद हैं डीआईजी और अपराधी को डर नहीं। सारण के डीआईजी मन्नू महाराज शुक्रवार को सिवान पहुंचे थे। यहां उन्होंने सभी पुलिस पदाधिकारियों के साथ बैठक की थी। इसके बाद वे रात्रि विश्राम के लिए सिवान में ठहरे थे। शनिवार की सुबह उन्होंने एसपी अभिनव कुमार संग पुलिस लाइन का निरीक्षण करने के पूर्व शहर के विभिन्न थानों का निरीक्षण किया था, लेकिन इसका भय अपराधियों को नहीं है। अपराधी ने डीआईजी के जिला में मौजूदगी के बीच इस बड़ी घटना को अंजाम दिया है। पुलिस प्रशासन की लचर व्यवस्था की पोल खोल दी है। बता दें कि मन्नू महाराज एक तेज तरार आईपीएस अधिकारी हैं और क्राइम कंट्रोल के लिए जाने जाते हैं। पंचायत की में घटना घटा है, जो एक लोहिया पुल है वहीं के पास लड़का सब क्रिकेट बगल में खेल रहा था, मैंने लगभग आधा किलोमीटर की दूरी पर वहीं ये लड़का खड़ा था। तभी एक पुल के पास से कोई लड़का फोन किया है, जो ये गया है उसे सर में गोली मार के भाग गया है। बाकी तमाम लड़कों की जानकारी तब हुआ जब एक चरवाह ने सूचना दिया कि एक आदमी गिर गया है, तब यहाँ से लड़का दौड़ के गया है और जीरादेई थाना को सूचना दिया है। तुरंत जीरादेई थाना अपने गाड़ी में ला के सिवान सदर अस्पताल लाया है। हम लोग को भी सूचना मिला, हम लोग सदर अस्पताल में इसका प्रथम उपचार करा के अभी पटना भेजवाने का काम किया है। बाकी कहीं ना कहीं अपराधी चैलेंज दे रहा है कि अभी मन्नू महाराज जी सिवान में अभी वर्तमान में अभी है, कल से वो अपना पूरा कैंपिंग किया है, उसके बावजूद भी राजेंद्र बाबू के धरती पर और जीरादेई से लोग इस तरह की घटना का सुझाव दे रहा है। ये कहीं ना कहीं प्रशासन के चैलेंज का विषय बना हुआ है। अब देखना है कि प्रशासन कितना इस पर गंभीरता से लेती है। अगर गंभीरता से ले लेगी, अगर जो अपराधी अपराध किया वो पकड़ा जाएगा, तो निश्चित तौर पर माना जाएगा कि मन्नू महाराज जी अपने काम में सफल है। क्या नाम है उनका? एक गोली लगा है, कहाँ लगी? सर में गोली लगा है। क्या नाम है उनका? दिनेश कुमार सिंह।